हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं नाउन केस के लास्ट वीडियो की। मे बी ये लास्ट वीडियो हो जाए। इसमें हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे और रूल्स में आज हम देखिए कुछ रूल्स और महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसे आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि रूल्स बड़े ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम ओरियंटेड है। एग्जाम हम कह सकते हैं कि एग्जाम क्रैकर्स रूल है। तो आइए देखते हैं आज का पहला रूल। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है, अब आपके मन में आएगा ये केस इन अपोजिशन क्या होता है। केस इन अपोजिशन की चर्चा हमने बहुत पहले कर दिया है, आप डिटेल में वहां पढ़िएगा। अभी सिर्फ इतना जानिएगा यहां पर कि अगर किसी दो प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग आसपास किया जाए और दोनों का प्रयोग किसी एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए हो, तो ऐसी कंडीशन में जो बाद वाला नाउन होता है उसके पोजीशन को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस नाउन का प्रयोग पहले वाले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर आपने दिया, हमने क्या बोला, हमने ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है क्या, सपोज दैट आपने किया है यहां पर तेंदुलकर, आपने क्या किया यहां पर तेंदुलकर आपने किया, और फिर आपने यहां पर क्या कर दिया, द बैट्समैन, तेंदुलकर द बैट्समैन। फ्रेंड्स यहाँ पर तेंदुलकर द बैट्समैन ये जो दिया हुआ है आपका ये पोर्शन, देखिए यहाँ पर तेंदुलकर ये भी नाउन है और बैट्समैन ये भी नाउन है, दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और दोनों का प्रयोग किसके लिए हुआ है, आप कहेंगे एक पर्सन के लिए हुआ, ऐसे पर्सन के लिए हुआ है जिसका नाम तेंदुलकर है और वही पर्सन क्या है आपका, बैट्समैन है। तो मैंने आपसे बोला कि जब दो नाउन एक साथ है आसपास है और दोनों का प्रयोग किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए हुआ हो, तो बाद वाला नाउन जिसका प्रयोग पहले वाले नाउन की विशेषता में किया जाता है उसके पोजीशन को हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि अगर हमें उसे पजेसिव बनाना है, अगर किसी सेंटेंस में केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है और केस इन अपोजिशन को हमें पजेसिव बनाना हो, तो आप याद रखिएगा केस इन अपोजिशन के रूप में आए हुए जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके साथ हमें क्या करना होता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है तेंदुलकर द बैट्समैन और यहाँ पर हमने क्या किया, वाइफ किया, तेंदुलकर जो बैट्समैन है की पत्नी। अब यहाँ देखिए कि हमें ये चीज नोटिस करने वाली बात है कि अगर दोनों नाउन यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको हमेशा एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग बाद वाले नाउन अर्थात जो केस इन अपोजिशन के रूप में आया हुआ नाउन है उसी के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। पहले वाले नाउन के साथ अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले वाले नाउन के साथ क्या करना है, आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा जो बाद वाला नाउन है जो केस इन अपोजिशन के रूप में आया हुआ नाउन है उसी के रूप में उसी के साथ आपको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। कब करना है आपको ध्यान देना है कि अगर एस होगा तो केवल एपोस्ट्रोफी आएगा और अगर यस नहीं होगा, कोई और लेटर आता है लास्ट में, तो फिर वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। एक और देते हैं सेंटेंस, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर किया टैगोर, टी ओ जी ओ आर टी एच यू आर, टैगोर द पोएट, टैगोर द पोएट, और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा के क्या करेंगे यहाँ पर, क्या, हाउस, हाउस टैगोर द पोएट्स हाउस, टैगोर जो कवि है का घर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगा है, नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन के रूप में आए हुए नाउन के साथ लगा है। मतलब ये जो नाउन आपका दिया हुआ है ये नाउन किस भूमिका में है, आप बोलेंगे केस इन अपोजिशन की भूमिका में है। तो जब भी कभी ऐसे कंडीशन आपको मिलती है, जब भी आपको केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है और केस इन अपोजिशन को पजेसिव बनाना हो, तो आपको हमेशा केस इन अपोजिशन के रूप में आए हुए नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। फ्रेंड्स आप देखिए दूसरा रूल जो यहाँ पर है, दूसरा रूल ये है कि अगर सेंटेंस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और उसे पजेसिव बनाना है तो आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब प्रोनाउन आप पढ़ेंगे तो इस पर हम उसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान जाइएगा कि द प्रोनाउन विच इज यूज टू टेल अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू पर्सन इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक लोगों के बीच में म्यूचुअल अर्थात घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए, घनिष्ठ संबंध बताने के लिए किया जाए, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और पूरे अंग्रेजी ग्रामर में केवल दो ही ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं,
वो तो कौन कौन से हैं? आप कहेंगे यहाँ पर है ईच अदर और दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरा है वन अनदर। क्या है? ईच अदर और वन अनदर। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा है क्या कि मान लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर भी है और यहाँ पर वन अनदर है। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है और इसे पजेसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करेंगे या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी केवल एपोस्ट्रोफी तो आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में आर है ना, दोनों में आर दिया हुआ है, यस है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ईच अदर्स हैंड हमने लिखा, ईच अदर्स हैंड, ईच अदर्स हैंड्स, और फिर हमने लिखा यहाँ पर वन अंडर्स प्रॉब्लम्स, पी आर ओ बी एल ई एम एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईच अदर्स हैंड्स और वन अंडर्स प्रॉब्लम्स बन गया आपको पजेसिव। तो जब भी कभी भी सेंटेंस में आएगा आपको ध्यान यही देना है कि आपको ईच या वन के बाद एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग नहीं करना है। जब भी एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में होगा, के साथ होगा, तो हमेशा लास्ट वाले प्रोनाउन के साथ होगा, पहले वाले प्रोनाउन के साथ नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं यहाँ पर, क्या मान लीजिए यहाँ पर दिया है राम एंड श्याम, क्या दिया है यहाँ पर राम एंड श्याम, और फिर हमने यहाँ पर लिखा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, फिर यहाँ पर लिखा टू होल्ड, टू होल्ड, यहाँ पर हो जाएगा ईच अदर्स नॉट वन अदर्स ईच, और फिर यहाँ पर डैश होगा और यहाँ पर क्या होगा अदर्स, और यहाँ पर क्या हुआ हैंड्स। राम एंड श्याम गो टू स्कूल टू होल्ड ईच अदर्स हैंड। अब आप देखिए ना यहाँ पर कि यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग हुआ है वो हमेशा अदर के बाद हुआ है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप ईच के बाद नहीं लगाना है आपको, या वन के बाद नहीं लगाना है, जब भी आप एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करेंगे अदर के बाद यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करते हैं ऐसे प्रोनाउन को क्या करने के लिए, रेसिप्रोकल सॉरी ऐसे प्रोनाउन को पजेसिव बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका रूल है वो रूल क्या है, रूल ये है कि हम किसी भी अगर एक सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में हम लगातार दो बार एपोस्ट्रोफीस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज ऑफ डबल एपोस्ट्रोफी इन सेम सेंटेंस, किसी भी एक सेंटेंस में लगातार क्रमशः दो बार एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, हमारा रूल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर आपको दो बार करना हो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, दो बार अगर आपको संबंध दिखाना हो, संबंध कारक अगर दो नाउन को लगातार आपको बनाना है, तो आप करेंगे क्या, आपको दो बार लगातार एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है राम के भाई की पत्नी, राम के भाई की, राम के भाई की पत्नी। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा ये देखिए यहाँ पर कितने, एक संबंध कारक यहाँ पर है और दूसरा संबंध कारक कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब रूल जो बोलता है, जैसे कि हमने आपको बताया था, वो यही बताया था कि अगर किसी सजीव संबंध का संबंध किसी सजीव या निर्जीव नाउन से दिखाना होता है तो हम एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करते हैं या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर राम भी सजीव है, उसका भाई भी सजीव है और पत्नी भी सजीव है। इसका मतलब ये क्या है कि राम के बाद भी मुझे एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करना है और भाई के बाद भी एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग करना है ना। कायदे से जो ग्रामर का रूल पहले हमने आपको बताया, लेकिन ये कहानी याद रखेगा, ये बात आप याद रखेगा कि अगर हमको दो बार संबंध कारक का प्रयोग करना है तो दो बार हम एपोस्ट्रोफी का लगातार यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर इसको मैंने यहाँ पर किया, क्या हमने यहाँ पर लिखा राम्स और फिर यहाँ पर क्या लिखा ब्रदर्स, राम ब्रदर्स और फिर यहाँ पर लिखा वाइफ, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो पहले ही एरर हो गया, गलत हो गया, एरर का शिकार हो गया, क्योंकि ग्रामर में स्पष्ट लिखा गया है कि वी आर प्रोहिबिटेड टू यूज ऑफ डबल एपोस्ट्रोफी इन सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है। फिर कैसे दिखाएंगे संबंध को आप, है ना, एक बार आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करिए और एक बार आप प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करिए। तो जब भी कभी आपको लगातार दो बार संबंध को दिखाना हो, दो बार नाउन को पोजेसिव बनाना हो, तो आपको डबल बार एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि एक जगह आप ऑफ का प्रयोग करिएगा और दूसरी जगह किसका प्रयोग करेंगे, आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम किसके लिए कब करें, है ना, हम किसके साथ किसका प्रयोग करें, मतलब किसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें, किसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो लास्ट के दो नाउन यहाँ पर होते हैं, लास्ट वाले जो नाउन होते हैं उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का संबंध करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं,
और जो पहले वाले नाउन होते हैं उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सबसे पहले इसका प्रयोग होगा या इसका प्रयोग होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आप याद रखिएगा, पहले हम लास्ट के दो नाउन के बीच में संबंध दिखाते हैं, यानी आपके द्वारा पहले हम संबंध को दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। आप देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है वाइफ, हमने आपको पहले बताया था कि अगर हमें दो नाउन के बीच में आपके द्वारा अगर दो नाउन के बीच संबंध दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम बाद वाले नाउन को यानी लास्ट वाले नाउन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दो नाउन है तो पहले हम यहाँ पर दूसरे नाउन को लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं प्रीपोजिशन आपका प्रयोग करते हैं, फिर यहाँ पर जो फर्स्ट नाउन यानी ये वाला नाउन है इसको यहाँ पर हम करते हैं और सेकंड वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो आप निकालिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर द वाइफ हो जाएगा और फिर आपको ऑफ लगाना है और आपके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर इसको ये लिखेंगे द वाइफ ऑफ, क्यों, क्योंकि आपको दो बार लगातार संबंध कारक दिखाना है तो द वाइफ ऑफ और उसके बाद यहाँ पर करना है राम्स, एपोस्ट्रोफियस यहाँ लगाएंगे और फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर ब्रदर। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको दो बार एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना, सॉरी दो बार अगर आपको किसी भी नाउन को पजेसिव बनाना हो लगातार, तो आप पहले लास्ट वाले नाउन को लिखा करिए, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करिए, फिर आफ का प्रयोग करिए, आफ के बाद फिर पहले वाले नाउन का प्रयोग करिए, फिर एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना है और उसके बाद फिर बाद वाले ने दूसरे नाउन का प्रयोग करना है। तो क्या इसका क्रम क्या हो गया, पहले आपका थर्ड नाउन होगा, थर्ड नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस यहाँ पर आपको फर्स्ट नाउन करना है, जो पहला वाला नाउन है उसको करना है, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको प्लस एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना है इसके साथ, और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको सेकंड वाला नाउन लिखना है। तो ये आपका थर्ड नाउन हो गया, पहले थर्ड नाउन के बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट नाउन हो गया और फर्स्ट नाउन के बाद आपको क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड नाउन हो गया। तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन आफ का प्रयोग भी करना है, क्या, प्रीपोजिशन आफ का प्रयोग भी करना है, आपके बाद फिर आपको फर्स्ट नाउन लिखना है, फिर एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना है और फिर सेकंड नाउन लिखना है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हुआ और इस स्ट्रक्चर का ही प्रयोग आपको करना है अगर दो या दो से अधिक नाउन हो, दो से अधिक नाउन हो, अगर तीन नाउन है और तीनों नाउन के बीच में लगातार आपको संबंध दिखाना है, पजेसिव बनाना है उनको, तो ऐसी कंडीशन में फिर ध्यान रखना है कि आपको एक बार क्या करना है, प्रीपोजिशन आफ का प्रयोग करना है और एक बार आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। आप लगातार दो बार एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है रूल्स की बात, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कभी भी किसी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है या पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो आप पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव बनाने के लिए ना तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे और ना ही प्रीपोजिशन आफ का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव, अगर पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे पजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे वो पजेसिव एडजेक्टिव हो और चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन हो, दोनों का प्रयोग क्या होता है, दोनों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आप बोलेंगे दोनों ही अपने आप में संबंध कारक है, दोनों का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए किया ही जाता है, किसके साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है। तो मेन दैट यहाँ पर होता है कि वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ एपोस्ट्रोफी और प्रीपोजिशन ऑफ टू मेक सच एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन पजेसिव इफ इट इज यूज इन फॉर्म ऑफ पजेसिव। अगर इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करना है, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ये अपने आप में ही पजेसिव है, अपने आप में ही संबंध कारक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरा पेन, मैंने यहाँ पर लिखा है यह मेरा पेन है, सपोज दैट मैंने लिखा क्या, यह मेरा पेन है। अब आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, मैंने मान लीजिए लिखा है यहाँ पर दिस इज, अब यहाँ पर माई लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने एपोस्ट्रोफी यस कर दिया और फिर क्या कर दिया, पेन कर दिया, दिस इज माई पेन। ये पूरी तरह से गलत है, क्यों, क्योंकि माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी प्रकार का एपोस्ट्रोफी यस या एपोस्ट्रोफी या प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगाना है, क्योंकि अपने आप में ही एडजेक्टिव पजेसिव है और इस नाउन के साथ संबंध स्थापित करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इसका सही रूप क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ भी हमें एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि वह अपने आप में ही पजेसिव है, इसलिए उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे जब लेटर वेटर आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, योर्स फेथफुली, योर्स फेथ
फुल्ली, आप देखें यहाँ पर ये योर्स फेथफुली तो यहाँ पर कर दिया आपने, यहाँ पर योर के बाद आपने क्या एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग किया। ग्रामर का रूल बोलता है कि अगर पदस्थ प्रोनाउन है तो उसके साथ हम किसी प्रकार के एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी प्रकार के एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको इसको ऐसे योर्स करना होता है, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। अब यहाँ पर मान लीजिए कहना हो गया कि मान लीजिए करना है कि यह मेरी किताब है। अब आपको करना क्या है, इसको पजेसिव प्रोनाउन की सहायता से दिखाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, दिस बुक इज माइंस। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते दिस बुक इज माइंस, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि माइंड अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के साथ किसी प्रकार का एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, ये सिर्फ यही होगा, दिस बुक इज माइन। यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन चार रूल आज आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कि मान लीजिए अगर आपको शॉप, स्कूल, कॉलेज, क्लिनिक एक्सेट्रा आदि का बोध कराना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वहां पर एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर देते हैं और बाकी उस चीज को छोड़ देते हैं। कैसे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको आपको चर्च का बोध कराना है, स्कूल का बोध कराना है, या यहाँ पर आपको क्लिनिक का बोध कराना है, क्लिनिक का बोध कराना है या कुछ और का बोध कराना है। तो अब मान लीजिए चर्च हो गया, क्लिनिक हो गया या समथिंग और हो गया, अगर इसका बोध कराना है आपको, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, शॉप हो गया, इन सब का बोध अगर कराना है, तो फ्रेंड्स ये है कि आपको एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करना है और बाकी साफ हो गया, क्लिनिक हो गया, फिर आपका शॉप हो गया, क्लिनिक हो गया, चर्च हो गया, स्कूल हो गया, इन सबको आपको छोड़ देना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि मेरी पत्नी डॉक्टर के क्लिनिक पर गई, डॉक्टर के क्लिनिक में है या पर है, अब फिर से आप याद रखिएगा, मेरी पत्नी डॉक्टर के क्लिनिक पर है। यहां पर देखिए डॉक्टर और क्लिनिक के बीच में यहां पर संबंध कारक लगा हुआ है। ग्रामर का रूल ये बोलता है कि अगर आपको क्लिनिक का बोध कराना हो, आपको दुकान का बोध कराना हो, आपको चर्च का बोध कराना हो, आपको स्कूल का बोध कराना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपको इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना है, इनका प्रयोग नहीं करना है, बल्कि जो यहाँ पर नाउन है, नाउन के साथ आपको क्या करना है, आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है और इन शब्द को आपको छोड़ देना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। जैसे कैसे दिया यहाँ पर हमने, कर दिया यहाँ पर माई वाइफ, क्या दिया यहाँ पर माई वाइफ, और फिर यहाँ पर कर दिया इज माई वाइफ इज, और फिर यहाँ पर लिखा क्या डॉक्टर्स COTORS। अब आपको यहाँ पर क्लिनिक लिखने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, आपको क्लिनिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर बोलता है कि अगर आपने डॉक्टर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो इसका मतलब, और इसको छोड़ दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इस फुल एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है क्या कि यह क्लिनिक का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, क्लिनिक का बोध करा रहा है। आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल डॉक्टर्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाइए और इसको छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मेरा भाई आपने लिखा क्या सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है, मेरा भाई सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर माय ब्रदर, और फिर क्या लिखा यहाँ पर रीड्स इन सेंट जेवियर्स। अब देखिए यहाँ पर जेवियर्स में लास्ट में यस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब यस आता है तो हमें क्या करना होता है, केवल एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखिये, यहाँ पर आपको स्कूल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर बोलता है कि आपको सिर्फ जेवियर्स के बाद क्या करना है, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी यस लगाना है और फुल स्टॉप कर देना है।
ये स्कूल अपने आप में बोध करा दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए करना क्या है कि मेरा दोस्त नाई की दुकान पर गया, मेरा दोस्त, यहाँ पर आपने लिखा मेरा दोस्त नाई की दुकान पर गया, मेरा दोस्त नाई की दुकान पर गया, दुकान पर गया। आप फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड्स हो गया, या सॉरी माई फ्रेंड हो गया, और माई फ्रेंड के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर नाई की दुकान पर है, माई फ्रेंड इज एट बार्बर्स, BARBARS एपोस्ट्रोफी है बार्बर्स, और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, SSOP। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिख गया, माई फ्रेंड इज एट बार्बर शॉप, ये बार्बर शॉप ये गलत है, आपको ये नहीं करना है, बल्कि बार्बर के बाद एपोस्ट्रोफियस लगाना है और क्या करना है, खाली छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपसे क्या बोला कि अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी नाउन का संबंध अगर किसी ऐसे नाउन से दिखाना हो जिससे शॉप का बोध हो, जिससे स्कूल या क्लिनिक का बोध हो, जिससे चर्च का बोध हो, जिससे कॉलेज का बोध हो, तो आपको करना क्या है कि आपको नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग कर देना है, और जो स्कूल कॉलेज या चर्च हो गया, इन सब का बोध कराने वाले जो नाउन है उनको आपको छोड़ देना चाहिए, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये आपका तीसरा चौथा रूल हो गया। अब देखिएगा एक चीज और, क्या मान लीजिए सेंटेंस में अगर क्या दिया हो, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी देश का नाम लिखा हो, किसी देश का नाम लिखा हो और उसे अगर पजेसिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में किसी कंट्री का नाम दिया हो और उस कंट्री के नाम को पजेसिव बनाना हो तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफियस या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। मीन दैट यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा भारत का भविष्य, हमने क्या लिखा आपका, आपने लिखा भारत का भविष्य, आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने यहाँ पर लिखा जापान का इतिहास, जापान का इतिहास आपने लिख दिया, जापान का इतिहास। अब देखिए यहाँ पर भारत का भविष्य लगा है, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी पजेसिव का चिन्ह है, यहाँ पर भी पजेसिव का चिन्ह है। तो आपको भारत का बनाना किसको है, किसका संबंध दिखाना है, भारत का संबंध इसके साथ दिखाना है और जापान का संबंध इसके साथ दिखाना है ना। तो आपको देश का जो नाम है इंडिया और जापान, इनको पजेसिव बनाना है, और अगर इन दोनों को पजेसिव बनाना है तो आपको इन्हीं के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर भारत दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है फ्यूचर, यहाँ पर है जापान का इतिहास तो क्या करना है, यहाँ पर जापान्स, JAPANS जापान्स, और फिर यहाँ पर करना है हिस्ट्री, जापान्स हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी कंट्री का नाम आता है और उस कंट्री के नाम को अगर पजेसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी यस या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा भी इसका संबंध दिखाया जाता है, और फ्रेंड्स अगर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ है तो वो भी गलत नहीं माना जाता है। जैसे कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है क्या, द हिस्ट्री द फ्यूचर ऑफ, यहाँ पर आपको ऐसा भी मिल सकता है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और यहाँ पर यह भी हो सकता है क्या, द हिस्ट्री ऑफ जापान, ऐसा भी आपको मिल सकता है। तो अगर बाय द वे ऐसे अगर आपको मिलता है तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन आप प्रथम दृष्टि याद रखिएगा कि अगर किसी भी कंट्री का नाम आता है उससे अगर पजेसिव बनाना हो तो हम पहली बार क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करेंगे या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये चीजें रूल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या नेक्स्ट रूल ये है कि मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा ऐसे प्रोनाउन जो हमेशा अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने के लिए आते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अर्थात द प्रोनाउन विच डिनोटेड या विच डिनोट्स अबाउट अनसर्टेन पर्सन प्लेस आर थिंग्स इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ऐसे प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं क्या, मान लीजिए ऐसे प्रोनाउन होते हैं एवरीवन, ये जो आपका एवरीवन दिया हुआ है, एवरीवन
यहाँ पर दिया है समवन समवन, ये दिया है नो वन, ठीक है, फिर दिया है एवरीबडी एवरीबडी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है समबडी, यहाँ पर क्या दिया है समबडी दिया है, समबडी दिया है, फिर दिया है यहाँ पर क्या एवरी सॉरी नोबडी दिया है, नोबडी। अब फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है एवरी वन सम वन नो वन एवरीबडी समबडी नोबडी, ये जो आपके प्रोनाउन है इसे बोलते हैं क्या इंडिफरेंट प्रोनाउन। अब रूल क्या है यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, रूल ये है कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में इंडिफरेंट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और इन इंडिफरेंट प्रोनाउन को हमें क्या करना है पजेसिव बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में इस इंडिफरेंट प्रोनाउन के साथ क्या करना होगा हमें एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करना होगा या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना होगा, क्या या तो एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करेंगे या तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे जहां पर जैसी आवश्यकता महसूस हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया क्या कि ही स्टोल और यहाँ पर लिखा समबडीज समबडीज वॉच, ही स्टोल समबडीज वॉच, उसने किसी की घड़ी चुरा लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए समबडी दिया हुआ है ना, समबडी को पजेसिव बनाया जा रहा है, समबडी का संबंध इस वॉच के साथ दिखाया जा रहा है। तो आपको हमने क्या बोला कि जो अगर किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है किसी सेंटेंस में और उस इंडेफिनिट प्रोनाउन को अगर पजेसिव बनाना हो तो वहां पर आवश्यकता अनुसार आप एपोस्ट्रोफीज या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, या तो एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करेंगे या केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। एक और देते हैं यहाँ पर क्या कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हमने क्या कि माय ब्रदर और यहाँ पर लिखा बाट ब्राट बी आर ओ यू जी एस टी ब्राट समवंस कार, मेरे भाई ने किसी कार लाई। अब देखिए यहाँ पर संबंध क्या है, संबंध आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसे बनाना है क्या, इसे बनाना है पजेसिव। तो अगर हमें पजेसिव बनाना होगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या करना होगा एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का भी प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है एल्स का प्रयोग हुआ है, अगर यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें एल्स का प्रयोग हुआ हो इसके साथ, तो अब एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ होगा या एल्स के बाद होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद क्या किसका प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे अगर यहाँ पर ई एल एस ई ये शब्द भी जुड़ा हुआ है तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन को पजेसिव बनाने के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसके साथ करेंगे एल्स के बाद, हमेशा एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन अकेले आता है तो उसे पजेसिव बनाने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स शब्द भी जुड़ा होता है तो ऐसे कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं जुड़ेगा बल्कि एल्स के साथ जुड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम और आपको दे रहे हैं यहाँ पर क्या कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है गंगा नाम है एक लड़के का, नदी नहीं है, लड़के की बात हो रही है, या चलिए हम गंगा छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ हीरा एक लड़का है हीरा, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लाया है हीरा हैज बिटेन और यहाँ पर क्या लिखा समबडी एल एस ई। तो अब यहाँ पर फिर यहाँ पर हम क्या है ब्रदर, यहाँ पर सेंटेंस दिया फ्रेंड्स हीरा हैज बिटेन समबडी इल्सेज ब्रदर, मीन दैट यहाँ पर देखिए यहाँ पर समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आया और यहाँ पर इल्स भी आया हुआ है। तो अगर दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो हमेशा याद रखेगा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के बाद लगेगा न कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लगेगा। अगर एल्स नहीं होगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लगाएंगे, और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग भी होता है तो हमेशा एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो कि किससे संबंधित है आपके, आप कहेंगे नाउन केस से संबंधित है। ये सारे के सारे रूल्स बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो आपको जरूरत ये है कि आप इन सारे रूल्स को, न केवल आज वाले रूल्स को बल्कि जो हमने एक दो दिन तीन दिन पहले पढ़ाए थे उनको, और उसके पहले भी अगर कोई रूल पढ़ाया गया है तो आपको उसको भी क्या करना है, उसको भी आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे
तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फ्रेंड्स याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, मान लीजिए अगर एवरीथिंग का प्रयोग हुआ है, एवरीथिंग मतलब होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन वो भी है, लेकिन वो थिंक अगर किसी भी प्रोनाउन के साथ अगर थिंग शब्द लगा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरीथिंग, यहाँ पर एवरीथिंग लिखा हुआ है, एवरीथिंग के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग, क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग लिखा हुआ है, एनीथिंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा है क्या, समथिंग लिखा हुआ है, समथिंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा है नोथिंग, नोथिंग या नथिंग लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये थिंग डिनोटिंग जो प्रोनाउन है जिसके लास्ट में थिंग आ रहा है, अगर सेंटेंस में इसका प्रयोग हुआ है और इसे अगर पजेसिव बनाना है, तो वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ एपोस्ट्रोफीज, हमें किसी भी प्रकार के एपोस्ट्रोफी का प्रयोग इसके साथ नहीं करना है, बल्कि इसको पजेसिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करना है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना होता है। इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर होती है कि कोई भी चीज आपको मतलब यहाँ पर अगर ऐसी चीज अगर आपको मिलती है तो आप वहां पर एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि एवरीथिंग्स ब्यूटी, मान लीजिए यहाँ पर दिया है प्रत्येक चीज की सुंदरता, एवरीथिंग्स ब्यूटी, आपको सेंटेंस में मान लीजिए एग्जाम में ऐसा मिल गया एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो आप याद रखेगा यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है लेकिन इसमें थिंग्स लगा हुआ है, और थिंग अगर लगा है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं आएगा। फिर हम कैसे इसे पजेसिव बनाएंगे, तो आप बोले है ना आपका प्रयोग करना है, अब आपका प्रयोग करिए ना, आपका प्रयोग करेंगे तो आपके द्वारा फिर वही चीज होगा, एक नाउन दो नाउन आपको करना, एक प्रोनाउन और दूसरा यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव है, तो आप करेंगे क्या, पहले हमें बाद वाले को लिखना है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे द ब्यूटी, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते आए हैं क्या, द ब्यूटी यहाँ पर हो जाएगा द ब्यूटी, और फिर ब्यूटी के बाद क्या करना है यहाँ पर ऑफ करना है द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ठीक, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, मीन दैट अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आती है इनमें से कोई भी प्रोनाउन अगर लिखा होता है और इसे अगर पजेसिव बनाना है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है, केवल प्रीपोजिशन ऑफ के माध्यम से क्या करना है, इसको आप कहेंगे इसको आपको पजेसिव बनाना है। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण रूल्स हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं देखता हूं कि आप लोग पढ़े हैं, तो इसको आप नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए फायदा होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक रूल और आपको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, कि अगर डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट वस्तुएं, उत्कृष्ट वस्तुएं, उत्कृष्ट का मतलब यहाँ पर क्या होती है कि ऐसी वस्तुएं जिनके प्रति लोग सम्मान व्यक्त करते हैं, जिनको पर्सोनिफाइड किया जाता है, जिनका एक्सिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा द मून, हमने यहाँ पर क्या लिखा द मून, द सन हो गया, द सन हो गया, उसके बाद यहाँ पर द स्काई हो गया, एस के वाई द स्काई हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या दिया द मून, द सन, द स्काई, उसके बाद फिर यहाँ पर द अर्थ हो गया, द अर्थ, ए आर टी एस, अर्थ हो गया, फिर यहाँ पर द कोर्ट हो गया, सी ओ यू आर टी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की बात की जाए। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे लाइफलेस चीजें होती हैं, चाहे मून, सन, स्काई, अर्थ या कोर्ट की बात करें, लेकिन ये उत्कृष्ट है, क्या है, उत्कृष्ट। और ऐसी कंडीशन में अगर उत्कृष्ट वस्तुओं का प्रयोग हुआ है और ऐसे वस्तु, ऐसे चीजों को या ऐसे नाउन्स को अगर हमें पजेसिव बनाना है, तो हमें वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, ऐसे नाउन के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, मून स्लाइट, सपोज दैट हमें क्या लिखा है यहाँ पर, मून स्लाइट। अब अगर आपको ये करना है द लाइट ऑफ मून, तो ये ठीक नहीं होगा, द लाइट ऑफ मून ये ठीक नहीं होगा, बल्कि इसे क्या करना होगा आपको, इसे आपको सही सही ऐसे लिखना होगा द मून्स, और फिर यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर लाइट, द मून्स लाइट, ये सही है क्योंकि ये उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सेंटेंस में किसी भी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और उसे वजह से बनाया है, तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस यानी लास्ट में अगर एस नहीं है तो आप एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए हमने क्या बोला, हाई कोर्ट की डिग्री अगर आपको करना होगा तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्या, द डिग्री ऑफ, द डिग्री, डिग्री सी आर डबल ए, डिग्री ऑफ हाई कोर्ट, आप द हाई कोर्ट, यहाँ पर द हाई कोर्ट होगा, द हाई कोर्ट
बल्कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द हाई कोर्ट्स, द हाई सी ओ यू आर टी एस, द हाई कोर्ट्स, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डिक्री सी आर डबल ई, द हाई कोर्ट्स डिक्री। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे नाउन आते हैं सेंटेंस में तो इसको पजेसिव बनाने के लिए आपको याद रखना है, आपको प्रीपोजिशन आपका प्रयोग नहीं करना है बल्कि आपको एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है केस के रूल्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे रूल्स ठीक लगे होंगे, और इनकेस मान लीजिए अगर कहीं से अगर कोई समस्या अगर आ रही है समझने में या मेरे समझाने में तो प्लीज जरूर कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके समस्याओं को रिजॉल्व करूँ, मैं उसे सॉल्व करूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है अगर आपके कमेंट्स आते हैं और आप अगर अप्रिसिएट करते हैं मेरी पढ़ाई को या मेरे पढ़ाने के तरीके को, या कहीं अगर कुछ सुधार करना है अगर उसमें भी अगर आप सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स फिर से वही अपील है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए अगर अभी नए नए अगर आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और फ्रेंड्स एक चीज और कहूंगा कि आप 20 से अगर पढ़ते हैं, जितने भी वीडियोज आ रहे हैं अगर आप 20 में 20 से पढ़ रहे हैं तो वो चीज आपको क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये जीएस का पोर्शन नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश है, और इंग्लिश में हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसलिए अगर आपको मान लीजिए आपको नाउन नंबर समझना है तो आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना होगा, और सेंटेंस को भी एकदम जीरो से पढ़िएगा, पार्ट वन से लेकर शुरू करिएगा सेंटेंस पार्ट वन से, और अभी तक जितने भी 18-20 वीडियो हैं उनको पढ़िए और हमारे साथ लगे बने रहिए। बहुत जल्दी तो नहीं कहूंगा कि बहुत जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन फिर भी दूर से ढाई दो महीने में या ढाई महीने में आप देखेंगे कि जो सारा ग्रामर का पूरा पोर्शन है वो सारा कंप्लीट होगा, और आपके एग्जाम जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो टीचिंग के टीजीटी पीजीटी के हो, चाहे और एसएससी के हो तो चल ही रहा है, चाहे वो बैंक पीओ हो या चाहे कुछ भी हो, वो सब आप एकदम से अपने आप को परफेक्ट पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नाउन एंड यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।